पिछले 2 महीने से सूने पड़े जिले के सभी कॉलेजेस और स्कूल 1 जुलाई मंगलवार को फिर से आबाद नजर आए। वहीं इन्फेंट कक्षाओं में प्रवेश पाने वाले नौनिहाल रोते इठलाते अपने गले में बैग और पानी की बोतल डाले बामुश्किल अपने मम्मी पापा के साथ स्कूल पहुंचे। वहीं प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल्स में भी छात्र छात्राओं की रौनक लौट आई। वहीं निजी विद्यालयों की फीस निर्धारण और शपथ पत्र की बाध्यता के चलते प्राइवेट स्कूल्स पर शिक्षा सत्र के शुभारंभ पर ही ताले लगे रहे। वहीं मिशनरी स्कूल संचालकों ने राजस्थान प्राइवेट एजुकेशन एसोसिएशन के विरोध प्रदर्शन से अपने आप को अलग रखते हुए विद्यालयों में नए शिक्षा सत्र का अपने अपने स्कूल खोलकर स्वागत किया। वहीं स्कूलों के साथ साथ कॉलेजों में भी नया शैक्षिक सत्र मंगलवार से शुरू हो गया, लेकिन प्रवेश प्रक्रिया की दूसरी कट ऑफ लिस्ट 7 जुलाई को आने के बाद ही अध्ययन शुरू हो पाएगा। वैसे 28 जून को वरीयता सूची और कट ऑफ लिस्ट लगने के बाद से ही कॉलेज में रौनक बढ़ गई थी। इस बार हमने छुट्टियों में पढ़ाई की थी, हम कहीं पे घूमने नहीं गए थे और हमें जैसा हमारे टीचर ने बताया था कि आप कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं, तो हमने कोचिंग ज्वाइन की थी और लगातार स्टडी करते रहते हैं। आज फर्स्ट दिन स्कूल में आके हमको अच्छा लग रहा है। फर्स्ट दिनों में आज यहाँ पे मैम पढ़ाने आए हैं तो अच्छा पढ़ा रहे हैं। हमें बहुत अच्छा लगा स्कूल आने के लिए। क्या बात है? क्या क्या तैयारी की थी आपने कल? हमने हमारे काम चेक करे थे, बैग वे सब चेक करे थे, पेंसिल रबर सोब्रेन रबर स्क्रेल पेन वेन सब चेक करे थे। बहुत अच्छा लगा कि फर्स्ट टाइम टीचर से मिले हम, बहुत अच्छा लगा, फ्रेंड्स मिले और आई एम वेरी हैप्पी इन फर्स्ट डे इन माय स्कूल। हमने सब तैयारी करी, पेंसिल रबर शॉर्पनर सब। हम अपनी नई टीचर से भी मिलकर बहुत खुश है। आज नए पढ़ाई हुई, नया हुआ, हमें बहुत अच्छा लगा। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मेरी स्कूल में आकर। मैंने कल अपना बैग वैग देखा, मैंने बहुत सारी तैयारी करी। और आज क्या क्या पढ़ा? और आज मैंने हिंदी पढ़ी, मैथ्स पढ़ा और साइंस पढ़ी। मेरे को आज बहुत अच्छा लग रहा है स्कूल। सबसे आज पहला दिन स्कूल में आए हैं। आज क्या क्या पढ़ा? मैथ्स पढ़ी, हिंदी पढ़ी, इंग्लिश पढ़ी और इंग्लिश। स्कूल का शुभारंभ किया और सबको बधाई दी है और जो नए बच्चे और टीचर्स उनका वेलकम किया है और सभी उत्साहित है नए साल के लिए कुछ अच्छा करने के लिए, कुछ नया करने के लिए और नए इरादे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इतने दिनों बाद स्कूल, 2 महीने बाद हम स्कूल आए हैं। हमारी पुरानी सहेलियां मिली है हमें, पुराने टीचर्स, पुरानी किताब। हमें इतना अच्छा लग रहा है कि बस हम 2 महीने में इतना घूमे फिर भी हमें इतना अच्छा लगता जितना आज स्कूल में आकर अच्छा लग रहा है। हमारे को बहुत इंतज़ार होता है 1 जुलाई का कि कब स्कूल खुलेगा, कब नए नए सहेलियों से मिलेगी, कब हमारे को पुराने दोस्त मिलेंगे और हमारे टीचर्स मिलेंगे। हमारे को नई नई किताबें देखने को मिलती है, नई नई कॉपियाँ मिलती है, सब होता है। हमारे को बहुत एक्साइटमेंट हो रहा है। स्कूलों तो आज चालू रखा है और SMS आया था मोबाइल पे नंबर पे 8 बजे से 11 बजे तक, जबकि यहाँ लिखा हुआ है कि 7:30 से 11:30। तो एक तो वो परेशानी रही और दूसरा ये अपनी मर्जी से जो फीसें बढ़ाते हैं ये तो गार्जियन को, पेरेंट्स को, सभी को भारी पड़ता ही है। और इसके लिए कोई ऐसा कानून होना चाहिए जिसको सब मान्यता प्राप्त हो। कल हमने अखबार और न्यूज़ में सुना था कि कल स्कूलों ने जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं उन लोगों ने अपनी स्ट्राइक रखी हुई है, स्कूलें बंद हैं, बट सेंट पॉल स्कूल खुली हुई है, हम बच्चों को लेने आए हैं। अगर वैसे देखा जाए तो अपने जो स्कूलों की जो फीसें जो इस प्रकार बढ़ती जा रही हैं तो हम लोगों की पॉकेट के ऊपर कुखारा खाता है ये, और ये बहुत गलत चीज़ है कि आप देखो हर साल हर स्कूलों की फीस बढ़ती रहती है, आम आदमी कैसे जिए। बच्चे बड़े उत्साह से आज पहला दिन स्कूल में आए हैं और उनको हमने आज विशेष प्रार्थना सभा के साथ में स्कूल का शुभारंभ किया है और सभी को बधाइयाँ दी है और जो नए बच्चे और टीचर्स से उनका वेलकम किया है और सभी उत्साहित है नए साल के लिए कुछ अच्छा करने के लिए, कुछ नया करने के लिए और नए इरादों के साथ वो आगे बढ़ने की बात की है। बहुत खुश है बच्चे आज। हम मिशनरी स्कूल्स है, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, तो ये जो छुट्टी है वो प्राइवेट संस्थाओं ने रखी है, हम प्राइवेट संस्थाओं में नहीं आते हैं इस कारण से। और पेरेंट्स में कुछ कंफ्यूजन है
कि हमारे भी स्कूल प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, इस वजह से शायद कुछ पेरेंट्स ने स्टूडेंट्स को स्कूल में भेजा नहीं। अभी कम बच्चे आए क्योंकि एक तो प्राइवेट स्कूलों की आज हड़ताल थी, तो कुछ भ्रांति बच्चों को लगी कि आज अवकाश हो सकता है, तो छुट्टियां मनाने के बाद अब बच्चे धीरे धीरे जो है मानस बनाएंगे पढ़ाई का, और अभी उनको काफ़ी चीज़ें देखनी है, जैसे पुस्तकों का वितरण कार्य है, पुस्तक कॉपी सारा उनका बैग वगैरह, जो घर की तैयारियां भी कुछ अधूरी हैं अभी, इसके अलावा प्रवेश कार्य चल रहा है विद्यालय के अंदर, नए बच्चे भी आ रहे हैं जो एडमिशन ले रहे हैं, एडमिशन के लिए भी अभी इधर उधर से गार्जियन घूम रहे हैं क्योंकि क्या फॉर्मेलिटी होनी चाहिए ये उनको जानकारी नहीं है। आज प्राइवेट एसोसिएशन की तरफ से अजमेर के जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं उनमें बच्चे आज नहीं आए हैं, स्ट्राइक है, स्कूल बंद हैं, उन काम काज बराबर चल रहा है, टीचर्स सब प्रेजेंट हैं। यहाँ पे हमारे टीचर्स ने जो पेंडिंग वर्क था, रजिस्टर वर्क था, जो डायरीज थी वो कंप्लीट कर रहे हैं वो लोग, जो इस तरह की फीस को बढ़ाना या नहीं बढ़ाना, स्ट्रक्चर के हिसाब से करना, ये जो समिति बनी है फीस को निर्धारित करने के लिए जो समिति बनी है, कुछ बातों को लेकर जहां ऑब्जेक्शन है उनके साथ हम भी हैं, द्रौपदी देवी स्कूल भी उनके साथ है, इसलिए हमने बच्चों की छुट्टी की है। राजस्थान प्राइवेट एजुकेशन एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष कैलाश चंद्र शर्मा के नेतृत्व में मंगलवार को जिला कलेक्ट्रेट के बाहर राजस्थान के समस्त निजी विद्यालय फीस निर्धारण समिति द्वारा निजी विद्यालयों में बिना किसी आधार पर जो फीस निर्धारण की गई है उसके विरोध में अपनी अपनी शिक्षण संस्थाएं बंद रखकर धरने पर बैठे। कैलाश चंद्र ने बताया कि प्रदेश भर के निजी शिक्षण संस्थान संचालकों ने अपने अपने जिला मुख्यालयों पर सुबह 11 बजे इकट्ठा होकर धरना प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपे और चेतावनी दी कि यदि सरकार ने निजी विद्यालयों की समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया तो समस्त निजी विद्यालय अगस्त माह में अनिश्चितकालीन बंद रखकर उग्र आंदोलन करेंगे। हमने सभी निजी विद्यालय यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और काला दिवस के रूप में मना रहे हैं ताकि सरकार इस चीज को देखे और इस चीज की जानकारी ले कि हम यहाँ पर एकत्र होने का हमारा क्या कारण है। हम जो RTE के तहत जो फीस निर्धारण हुआ है 11,400 रुपए, उससे भी कम हमारी फीस है, तो हमें जो है कम से कम 11,000 रुपए लेने तक का तो उनको मौका देना चाहिए। हमारा सिर्फ इतना ही निवेदन है कि हमारी बातों के ध्यान में रख करके और इसका निर्णय वापस लिया जाए और हमें राहत प्रदान की जाए। आज राजस्थान प्राइवेट एजुकेशन एसोसिएशन के अजमेर जिले की फीस निर्धारण और शपथ पत्र की बाध्यता को समाप्त करने के लिए जिला मुख्यालय पर मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन प्रस्तुत किया। हम सरकार से जो फीस निर्धारण की जो बाध्यता सौंपी जा रही निजी विद्यालय उसे तुरंत प्रभाव से समाप्त किया जाए, अन्यथा 1 अगस्त के बाद हम शीघ्र ही संपूर्ण राजस्थान में आंदोलन तीव्र कर देंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी।